डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, तो व्हाट यू विल गेट, डी वाई बाई डी एक्स आपका बनेगा, ये बनेगा आपका 1 अपॉन एक्स की पावर साइन एक्स है आपके पास, प्लस कॉट का स्क्वायर एक्स है, ये तो आ जाएगा लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर आप डी बाय डी एक्स करोगे एक्स की पावर साइन एक्स, और यहां करोगे कॉट स्क्वायर एक्स प्लस में, ठीक है ना। तो यहां से आपका बनेगा एक्स की पावर साइन एक्स है ना जैसे, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स है, और इसको अब जो आपको डेरिवेटिव करना, देखो यहां पर जो डी बाय डी एक्स है एक्स की पावर साइन एक्स है, इसको ऐसे लिख दो प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स लिख दो। अब पहले एक्स की पावर साइन एक्स को ना साइड में डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको वन इक्वेशन डाल के छोड़ दो, ठीक है। अब पहले देखो, लेट करो आप कोई यू मान लो एक्स की पावर साइन एक्स को, इस तरह थोड़ा प्रेजेंटेशन भी देखते हैं अपने क्वेश्चन में ना। हाँ, तो यू मान लोगे, फिर इसको टेकिंग लोग बोथ साइड करोगे तो लिखना पड़ता है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपको लिखना भी पड़ता है। तो जितने भी यहाँ कॉम्पिटिशन वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुनो, ये जो अपनी आदत है ना उसको ठीक करते हुए रखना है, मैं एंड तक, हमारा यही टारगेट है, जो दिसंबर तक हमें अपनी आदत नहीं बिगाड़नी, ठीक है। तो यहाँ लॉग यू ले लोगे आप, और यहाँ साइन एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, तो ये दो फंक्शन बन गए डिफरेंट, है बड़ा सिंपल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है इन क्वेश्चनों से। 1 बाय यू डी यू बाय डी एक्स हो जाएगा, साइन एक्स लॉग एक्स में यू इंटू वी लग जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, और फिर ठीक है ना, और फिर साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। हेमंत का आंसर आ चुका है, बिल्कुल ठीक आंसर है हेमंत। तो यहाँ डी यू मेरा भी आ जाएगा फटाफट आने वाला आंसर, यहाँ यू लगा दो, यू की वैल्यू सीधी लिख दो एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ कॉस एक्स लॉग एक्स हो जाएगा प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। अब इसको वहीं रख दो अंदर, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ डी बाई डी एक्स, अब वी मान लो, एक डी बाई डी एक्स कर लो, वी क्या है आपका कॉट स्क्वायर एक्स मान लो, तो इसका भी डेरिवेटिव कर दो, डी वी बाई डी एक्स कितना बन जाएगा आपका 2 cot x, और कॉट का क्या होता है बेटा डेरिवेटिव, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो यहाँ माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स हो रहा जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू उठा के हम अपनी इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक है। तो पुट वैल्यूज ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर साइन एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और यहां होगा आपका एक्स की पावर साइन एक्स ब्रैकेट कॉस लॉग एक्स, बिल्कुल ठीक है आकाश दवास आपका, साइन एक्स बाय एक्स, और प्लस में आ जाएगा 2 cot x माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहां माइनस ही लिख लो, माइनस कॉट एक्स और कॉसिकेंट स्क्वायर, थोड़ा चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, अदरवाइज यहीं लीव कर देना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। तो इसको आप चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना, अदरवाइज यहीं लीव करके बात खत्म कर देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अब आगे देखिए कि जो आपका एक्स है यहाँ पर 2 sin cos θ माइनस cos 2θ, एंड वाई जो दिया हुआ है आपको 2 sin θ माइनस sin 2θ, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन हम देखते हैं, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2017 और 2009 में दो बार क्वेश्चन आ चुका है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 साल बाद, और कंपार्टमेंट के पेपर में भी दो बार आ चुका है 2015 में और 2013 में। तो देखो क्या क्वेश्चन में ऐसा क्या खास है, जरा हम भी देखते हैं कि अगर वाई आपका दिया हुआ है यहाँ पर साइन एक्स की पावर एक्स, और यहां आपका दिया हुआ है साइन इनवर्स रूट एक्स, तो मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा, मैंने करा नहीं आलस के मारे, हो जाएगा सिंप्लीफाई थोड़ा बस, और कुछ नहीं, एलसीएम वैलसीएम लेके कर लेना इसको, ठीक है ना। देन फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, ये जो क्वेश्चन है आपका 2017
2017 में आया हुआ है, 2009 में आया है, 2009 के कंपार्टमेंट के पेपर में भी है ये। दूसरा 2015 में भी आया हुआ है, 2013 में भी आया हुआ है। पता नहीं ऐसा क्या खास क्वेश्चन है, कुछ आपको देखने से लग रहा होगा कि इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है ये, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इसको तो हम बोल देंगे ट्राई योर सेल्फ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ट्राई योर सेल्फ से हो जाएगा ये, या कराऊं इस क्वेश्चन को। वही अभी साइन एक्स की पावर साइन एक्स का कर रहा है, ऐसे साइन एक्स की पावर एक्स का कर लेंगे और साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे, तो कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसमें अब है। कुछ हमें इक्वेशंस को जब सेटिस्फाई कर, देखो दो टाइप्स, दो तीन टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तीन टाइप है बेसिकली जहां तक मुझे पता है। एक तो आपका पैरामेट्रिक है, यानी कि जो जिसमें एक्स भी आपको टी में दिया होगा, वाई भी टी में दिया होगा, एक तो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। दूसरा या तो आपका ये फंक्शन की पावर फंक्शन, एक आपको जो अब मैं तीसरा वाला बता रहा हूँ जिसमें हमें जो सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव की जो इक्वेशन होती है उसमें आपको ठीक करना होता है कि जो आप ये लिख रहे हैं देन प्रूव दैट ठीक है। ये आपके पास y दिया हुआ है और दिल्ली 2013 में क्वेश्चन आया हुआ। देखो एक तीसरा टाइप भी है जिसमें आपको ना इक्वेशंस को सेटिस्फाई करके जो इक्वेशन का पूरा आंसर निकालना होता है, तो ये बेसिकली तीन मेजर आपके टाइप है, ठीक है। और आज ना थोड़ा मैं होमवर्क ज्यादा देने वाला हूँ सब्जेक्टिव का, ठीक है, क्योंकि ये खत्म करते हैं, इसमें वही सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ज्यादा देकर आपको काम खत्म करेंगे जितने भी हैं इसमें क्वेश्चन। और आई थिंक अब आपका डेरिवेटिव्स तो क्लियर हो चुका होगा, जितने भी बच्चे लास्ट में ज्वाइन हुए थे, लेट ज्वाइन हुए थे, आई थिंक अब एनसीईआरटी आराम से बन रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है ना। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वो इस समय बता सकता है मुझे, ओपनली मैं पूछ रहा हूँ उनसे। अब यहाँ देखिए, अब इसको डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको दोनों निकालना पड़ेगा, डीवाई बाय डीएक्स भी निकालना पड़ेगा, डी स्क्वायर वाई यानी कि सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम वाई को सॉल्व करते हैं कि लॉग ब्रैकेट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसे आप कर रहे हैं, तो यहां आप डिफरेंशिएट करते हैं, धीरज बताओ भाई तुम्हें कोई डाउट है तो, बच्चे कह रहे हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि तुम्हें से कोई डाउट, तुम्हारे को कोई डाउट हो सकता है, उनको अंदर से आया है। हाँ फिर कहेंगे समझ में नहीं आएगा, सही बात है, ठीक है। तो एक बार देख लो ये क्वेश्चन, देखो इसमें लॉग का डेरिवेटिव लग गया, ठीक है धीरे इतने कह दिया, नो सर। अब यहाँ देखो लॉग का डेरिवेटिव है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब इसको डेरिवेटिव कर दो बस, डी बाई डी एक्स कर दो इसका, तो एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 2x, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2x, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो इसमें आप एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएगा, देखो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर आपने लिया इसको 1/, आप जब खुद सॉल्व करोगे ना तो कुछ है नहीं इन क्वेश्चनों में, बहुत सिंपल सिंपल सीबीएसई क्वेश्चन बना के भेज रहा है, जिस बस अच्छा पास हो जाए, बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। तो यहाँ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, डीवाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, जो आपका dy by dx है वो आपका आ जाएगा यहाँ पर, dy by dx आपका आ जाएगा
वन अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, ऐसे बना लो इसको। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो यहां पर यू इंटू वी लग जाएगा, तो एक बार आपका बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां आ जाएगा आपका वन बाय टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू टू एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो। यहां देखो आपका वही जो क्वेश्चन में उसने पूछा था वही आंसर आ गया, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ गया आपका एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन हो जाता है ये आपका। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको होमवर्क में ज्यादा करके भेज दूंगा, तो ये मत कहना कि सर आज होमवर्क ज्यादा क्यों दे दिया, तो थोड़ा कोशिश करना उसको करने की। और इसको खत्म करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन और दिखा है यहाँ पर, इसको भी देखते हैं जिसमें थोड़ा इक्वेशन को यूज कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कि जो हमारा ये अगर वाई की पावर एक्स है, अगर किसी को डाउट हो तो बता सकता है भाई, ये नहीं बोलेगा भाई मैं, ठीक है डाल देंगे जी, बॉम्ब भी डाल देंगे। ठीक है, प्रूव दैट। यहाँ डी वाई बाय डी एक्स हमें प्रूफ करना है, वन प्लस लॉग वाई होल स्क्वायर अपॉन लॉग वाई। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा ये, बट क्या करना है इसमें आपको, टेकिंग लॉग बोथ साइड करना, क्या करना है इसमें स्टार्टिंग में ही आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करते वक्त टेकिंग लॉग बोथ साइड कर लेना, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन ये। हाँ इतु सा ये, बस टेकिंग लॉग बोथ साइड, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, x log y बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ x माइनस वाई लॉग ही बन जाएगा, तो लॉग ही तो तुम्हें पता ही है वन होता है, तो यहाँ x log y रह गया आपका, और यहाँ सिर्फ x माइनस वी रह जाएगा, तो डेरिवेटिव कर लेना अब इसका, डिफरेंशिएट कर दो इसको विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिर x, यहाँ पर x log y हो जाएगा, और फिर x by y बन जाएगा, और इसका x का डेरिवेटिव वन, यहाँ माइनस डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स तो उस तरफ चला जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स तो इस तरफ आ गया, यहां पर आ गया आपका वन माइनस वन माइनस कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर वाई, कितना है आपके यहाँ वाई लॉग वाई है ना ये, तो वाई आकर माइनस एक्स, ठीक है, और वाई लॉग वाई भी है साथ में, तो इसको अब कैसे करोगे आप, देखो आपने इसको डेरिवेटिव बना लिया, और डेरिवेटिव बनाने के बाद हमारा जो इसमें क्वेश्चन है y का डेरिवेटिव करा है, बिल्कुल चिल्लर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ x बाई वाई बना लो, यहाँ प्लस वन हो जाएगा, यहाँ dy वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ ठीक है, और यहाँ dy वाई बाय डी एक्स को कॉमन रखना है, और यहां पर वन माइनस लॉग वाई कर देना है। बन क्यों नहीं रहा ये बार बार, एक सेकंड देखते हैं अभी यार दिक्कत क्या आ रही है इसमें डेरिवेटिव में। x तो x का हो गया x बाय वाई dy वाई बाय डी एक्स वन माइनस dy वाई बाय डी एक्स, बिल्कुल ठीक है, dy वाई बाय डी एक्स इस तरफ आ जाएगा, तो x प्लस वाई अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, और यहां बनेगा वन माइनस लॉग वाई। एक क्वेश्चन कर, गलती एक कर दी इसमें हमने, तभी मैं सोचू बार बार बन क्यों नहीं रहा है। यहाँ बेटा x माइनस वाई नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा y माइनस एक्स है, सॉरी थोड़ा गलती हो गया लिखने में क्वेश्चन को, तभी नीचे नहीं बन रहा ना क्वेश्चन, यहाँ एक्स माइनस वाई नहीं है, वाई माइनस एक्स है।
है, तो एक इसको करेक्शन कर लेना इस क्वेश्चन में। यहाँ पर जो x माइनस वाई नहीं था, ये y माइनस एक्स था क्वेश्चन में, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ी दिक्कत आई थी क्वेश्चन को बनाने में। फिर इसको करेक्ट करते ही देखो इस तरीके से हमने उसको डेरिवेटिव कर दिया और अपना सॉल्व हो जाएगा। एक बार डिफरेंशिएशन बता देता हूँ, y की पावर x है तो 3 लॉग बोथ साइड कर लिया, तो x लॉग y बन जाएगा और इसका बन जाएगा y माइनस एक्स लॉग ई। इसका क्या बन जाएगा? y माइनस एक्स लॉग ई। अब लॉग ई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यहाँ साइड में लिख लो, लॉग ई कितना होता है आपका? 1 होता है। तो इस लॉग ई 1 होता है तो उसकी जगह तो यहाँ 1 आ गया, तो कितना हो गया? एक्स एक्स लॉग वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स रह गया। कितना रह गया? एक्स लॉग वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स रह गया। ठीक है, तो लॉग ही 1 होकर ये, फिर इसको हमने यहां से लॉग वाई की वैल्यू निकाल ली, जो हमारे पास वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स आया है। और इसके बाद हमने इसको सॉल्व करा, यहां से डिफ्रेंशिएट करा, तो यहां से लॉग वाई प्लस एक्स बाय वाई डीवाई बाय डीएक्स इक्वल टू माइनस 1 आकर सिंप्लीफाई करके आ जाएगा ये क्वेश्चन है। इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और है इसमें अभी। ठीक है, हमें फाइंड करना है, डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ साइन इनवर्स 2 की पावर एक्स प्लस 1 3 की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 36 की पावर एक्स। तो यहां देखिए भाई कैसे करना है इसको, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हमें ना क्वेश्चन को ठीक करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को पहले सिंपली इसको वाई मान लो पहले, तो ठीक है, साइन इनवर्स 2x प्लस 1 इंटू 3x अपॉन 1 प्लस 36 की पावर x दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। तो 36 की पावर x को आप लिखो 6 स्क्वायर, 36 को लिखो 6 स्क्वायर, और इस 2x प्लस 1 को लिखो 2 इंटू 2x। इसको ना थोड़ा ऐसे करके लिखो, अगर हम इसको ऐसे करके लिखेंगे और ये 3 की पावर x इंटू में सॉरी 2 इंटू 2 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 6 की पावर 2x बन जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्सपोनेंट सेम है तो इनके बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो 6 की पावर एक्स बन जाएगा ये। तो साइन इनवर्स करके ये यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 6 की पावर एक्स 1 प्लस 6 पावर 2x। तो यहाँ क्या कर सकते हो आप, 6 की पावर एक्स को ना 10 थीटा मान लीजिए। क्या करेंगे आप? 10 थीटा मान लेंगे, ये इसमें मेन चीज थी। तो यहां अगर आप 6 की पावर एक्स को 10 थीटा मानते हो तो फिर आपका आंसर क्या बनेगा? आपका बन जाएगा यहाँ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा फिर 2 tan थीटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और हमें पता ही है भाई, ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा आ जाएगा। साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा? 2 थीटा बचेगा। 2 थीटा बचने का क्या मतलब है? थीटा की वैल्यू देखो हमने क्या रखी थी यहाँ, थीटा हमारा एक्स 6 की पावर x को हमने थीटा 10 थीटा माना था, ठीक है ना? तो यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है? टेन इनवर्स 6 की पावर x। ठीक है, ये आपका y बना है। अभी डिफरेंशिएट कर दो इसको। ठीक है हिमंत, तुम्हारा आंसर ठीक है। ये dy बाय dx कर देंगे इसको, यहाँ 2 1 प्लस 6 x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ डेरिवेटिव करेंगे हम 6 की पावर x का। अब ये क्या है डेरिवेटिव? a की पावर x टाइप है, डेरिवेटिव a की पावर x टाइप है। तो उसका क्या होता है? a की पावर x log a। ठीक है, मैं साइड में आपको फॉर्मूले की तरह बता दूं, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस 6
सिक्स की एक्स की पावर स्क्वायर इंटू सिक्स की पावर एक्स क्या है, सिक्स की पावर एक्स लॉग सिक्स हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग सिक्स, ठीक है। तो बी से ई भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पर आकर आपका ये पूरा आंसर, और फिर यहाँ पर इसको आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे चाहे तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये सिक्स एक्स का स्क्वायर क्या बनेगा, थर्टी सिक्स की पावर एक्स बन जाएगा, और सिक्स इंटू एक्स को क्या लिख सकते हो आप, टू टू की पावर एक्स इंटू थ्री की पावर एक्स, और लॉग ई सिक्स लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप ये टू की पावर एक्स प्लस वन बन जाएगा, थ्री की पावर एक्स बन जाएगा, लॉग ई सिक्स हो जाएगा, और वन प्लस थर्टी सिक्स की पावर एक्स आ जाएगा। इस तरीके से आंसर पूरा बन जाता है, ठीक है भाई। तो ये तो आज के हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करने, यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला किसका होता है हमारा, साइन टू थीटा का होता है, ठीक है। तो साइन साइन तो कट गया, कितना रह गया, टू थीटा रह गया इस क्वेश्चन में। अब वाई को हमने क्या पुट करा था, सिक्स की पावर एक्स को हमने टेन थीटा पुट करा था, तो वहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन इनवर्स सिक्स एक्स आ जाएगी। अब इसको डेरिवेटिव कर दिया, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, सिक्स की पावर एक्स है, तो यहाँ पर आ गया टू अपॉन वन प्लस सिक्स की पावर एक्स का स्क्वायर। फिर हमें किसका डेरिवेटिव करना है, सिक्स की पावर एक्स का, तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए, तो यहाँ पर सिक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, सिक्स की पावर एक्स लॉग सिक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसको सिंप्लीफाई कर दिया, सिक्स की पावर एक्स को लिख दिया टू की पावर एक्स इंटू थ्री की पावर एक्स, और इस सिक्स की पावर एक्स स्क्वायर को लिख दिया थर्टी सिक्स की पावर एक्स। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो, ठीक है भाई। ओके ओके।